हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बिंदास स्वाद में आपका स्वागत है। आज मैंने काले चने के छोले बनाए हैं। काले चने के छोले मैंने कैसे बनाए हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आगे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे इसके लिए बेल बटन ज़रूर से दबाइएगा। तो आगे हम देखते हैं कि मैंने काले चने के छोले कैसे बनाए हैं और क्या क्या इसमें डाले हैं। काले छोले बनाने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। काले चने के छोले बनाने के लिए हमें काले चने चाहिए। ये काले चने हैं, लेकिन हमें छोले बनाने के लिए भिगोए हुए चने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे छोले बनाने थे तो मैंने रात में ही काले चने भिगा लिए थे। भिगोने के बाद वो ऐसे हो जाएंगे और इसी से ही छोले बनेंगे। मैंने एक कटोरी भिगाई थी, वो इतने हो गए। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चने को उबालना होगा, तो हम अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और उबालेंगे। मैंने प्रेशर कुकर में चने को डाल दिया है। अब मैं इसे पकने के लिए इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। और ये अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं इसमें बेकिंग सोडा की जगह पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। बेकिंग सोडा डालने पे उसमें अलग सा टेस्ट और स्वाद आने लगता है, लेकिन बेकिंग पाउडर डालने पे कोई भी अलग सा स्वाद और स्मेल नहीं आता है और हमारे चने खूब अच्छे से पक भी जाएंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब कुकर का लीड लगा दिया है। अब मैं गैस ऑन करके इसे बॉईल होने के लिए गैस पे रखूँगी। पहले 2-3 मिनट तक फुल आँच रहेगा, फिर उसके बाद मैं इसका आँच मीडियम कर दूँगी। हमारे चने उबल रहे हैं, इसमें 4 से 5 सीटी आने पर ही ये अच्छे से पक जाएंगे। तो जब इसकी सीटी आ जाएगी 4 से 5, तो मैं गैस बंद कर दूंगी। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक हम इसे फ्राई करने की सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्रेशर कुकर की सीटी आ गई है, तो जल्दी ये बॉईल हो जाएगा। मेरे चने उबल चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जब तक मेरा ये चना उबल रहा था तब उतनी देर में मैंने उस चने को फ्राई करने के लिए अपनी सारी तैयारी पूरी कर दी है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें चने को फ्राई करने के लिए चाहिए, जिससे कि हम काले चने के छोले तैयार कर सकें। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर काटे हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार करना है। हल्दी इसमें 1 चम्मच चाहिए। 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च और जीरा का मैंने पाउडर बनाया है। 1/2 चम्मच जीरा है। 1 चम्मच ये मसाला है, धनिया और गरम मसाला मिक्स करके मसाला बनाया हुआ है, तो ये 1 चम्मच जाएगा। 2 हरी मिर्च काटी है और 2 मीडियम साइज के प्याज काटे हैं मैंने, ये सारा जाएगा। और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, तो मैंने उतना ही बनाया है जितनी मुझे ज़रूरत है। और लाल मिर्च पाउडर बस 1/2 चम्मच से भी कम जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते हैं, तो हमें उनके हिसाब से बनाना है। और ये हींग है, हींग 1 चुटकी जाएगी। तो ये सारी तैयारियाँ मैंने पूरी कर ली हैं। थोड़ी ही देर में जब ये मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्राई करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे फ्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चने अच्छे से पक चुके हैं। काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसे कढ़ाई रखूंगी
जिस भी तेल का इस्तेमाल करती हूँ वही तेल आप इसमें इस्तेमाल करिए। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी। दो चम्मच के करीब तेल जाएगा। हींग जाएगा सबसे पहले। फिर मैंने काली मिर्च और जीरे के पाउडर बनाया था कूट के, इसे डाल दिया। आधा चम्मच ये सारे चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये लाल हो जाए तो इसमें सबसे पहले प्याज चाहिए। ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज काट रखी हैं, तो ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसी के हिसाब से ही प्याज काट रखी हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था एक चम्मच सारा ही इसमें चला जाएगा। मैंने उतना ही बनाया था जितना इसमें ज़रूरत था। इसे भूनना है अच्छे से जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने हरी मिर्च काटी थी दो, ये सारी इसमें चली गई हैं। अच्छे से फ्राई करना। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेंगे, आप इसे बना के खिलाएंगे अपने बच्चों को काले चने के छोले। इस काले चने इस तरह से नहीं खाते हैं लेकिन छोले बना देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। मेरा ब्राउन हो रहा है मेरा प्याज, ये वाला है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी एक चम्मच, छोटा चम्मच है मेरा। इसी चम्मच से मैं मसाला डालूंगी। इसमें मेरा गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर, मैंने हरी मिर्च डाल रखी है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे खाएंगे, बस छोटे चम्मच से आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। मसाले मेरे भून गए हैं और प्याज भी, तो अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। दो मीडियम साइज के टमाटर काट रखे थे, ये सारे इसमें चले गए हैं।
गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकती हैं। आप देख सकती हैं मैंने जैसे भी बनाया है, बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन जाता है। और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, वो घर का खाना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ नया और कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, इसीलिए वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब घर में ही आप अगर अच्छी चीज़ें बना के देंगे तो घर का ज़्यादा खाना खाएंगे और बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, जो उनके हेल्थ के हिसाब से अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं और मेरा मसाला भी अच्छे से भून चुका है, क्योंकि इसका तेल ऊपर आ रहा है। तब हम इसमें अपना चना डालेंगे जो हमने बॉईल किया था। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से बन के आया है, कि बच्चे देख के ही खा लेंगे, उन्हें ज्यादा प्रेशर करने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, उन्हें खूब पसंद आएगा। अब हम इसे फिर से प्रेशर कुकर में डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने काले चने के छोले कढ़ाई से फिर से प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसे फिर से लीड लगा के एक सीटी लगाऊंगी, ताकि इसके सारे फ्लेवर जो मैंने इसमें मसाले जो भी कुछ डाला हुआ है वो चने में अच्छे से आ जाए और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये मैंने लीड लगा के फिर से प्रेशर कुकर को गैस पर रख दिया है और एक सीटी आने के बाद हमारा छोला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सीटी आ गई है। अब मैं गैस ऑफ करूंगी, तो ये मैंने गैस बंद कर दिया है और जैसे ही ये ठंडा होता है मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे छोले कैसे बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी चावल पराठा जिससे भी चाहे उससे खा सकते हैं, सबके साथ ये स्वादिष्ट ही लगेंगे। अगर आपको मेरा बनाने का यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और आगे आपको मेरी अच्छी अच्छी खाने की वीडियो मिले इसके लिए बेल बटन ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आपके पास मेरा लिंक आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए। तो मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।